झूमे जो पठान। बेशरम रंग के ब्लॉकबस्टर प्रमोशन के बाद पठान का दूसरा गाना रिलीज हुआ है। देखने में तो गाना ठीक ठाक ही लग रहा है, सुनने में अच्छा है, लेकिन विजुअल्स में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग तो नहीं है। और पहली नज़र में तो कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं लग रहा, लेकिन गलती निकालने वाले निकाल भी सकते हैं। इस गाने में काफ़ी नाचना गाना है, लेकिन स्टोरी वैसे तो कुछ दिख नहीं रही। इसका मतलब शायद ये गाना क्रेडिट्स में बजेगा जब पिक्चर खत्म हो जाएगी, या अगर पिक्चर के बीच में ये गाना बजता है तो इसको एक अनऑफिशियल टॉयलेट ब्रेक की तरह समझ सकते हो। लेकिन प्रश्न अब ये है कि क्या ये गाना झूमे जो पठान बेशरम रंग से मिली हुई सक्सेस और अटेंशन को बरकरार रख पाएगा। मेरा इससे क्या मतलब है, बेशरम रंग को रिलीज हुए मात्र 10 दिन हुए हैं और इन 10 दिनों में उनको 100 मिलियन व्यूज मिले हैं। इसके कंपैरिजन में पठान का जो टीजर है उसको सिर्फ 59 मिलियन व्यूज है। इसके अलावा जिस यूट्यूबर ने बेशरम रंग के बारे में बात की है उनके व्यूज काफी हद तक बढ़े हैं, जितना उनको मिलते हैं उससे कई ज्यादा व्यूज मिले हैं मेरे चैनल को मिलाकर। वैसे तो मेरे हिसाब से बेशरम रंग के बारे में बहुत बात करना वक्त बर्बाद करने जैसा है, लेकिन अगर आपको अटेंशन आकर्षित करना है तो ये सही कारण था जिसमें सबका फायदा हुआ है। लेकिन क्या इस अटेंशन से पठान के ज्यादा टिकट्स बिक जाएंगे और थिएटर में ज्यादा लोग जाएंगे देखने के लिए? हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता। बस पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि जो दूसरा गाना है झूमे जो पठान, इसको कितना सक्सेस मिलता है, कितना अटेंशन मिलता है और कितने व्यूज मिलते हैं 10 दिन बाद। इससे पता चलेगा कि जो बॉयकॉट है उससे YRF का फायदा हुआ है या नुकसान। वैसे तो झूमे जो पठान में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है सिवाय एक शॉट के जिसमें शाहरुख खान ने अपने शर्ट खोलकर सिक्स पैक एब्स दिखाए हैं। असली में इस एज में ऐसी बॉडी मेंटेन करना काफी मुश्किल है और काफी पेनफुल है। तो क्या लगता है आपको, शाहरुख खान ने काफी मेहनत तो की होगी, लेकिन उसके अलावा क्या उन्हें VFX से एनहांस किया है? जो भी आपको लगता है कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे ही किसी विषय में हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अस्थिर चित्र चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।